और अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि नेकी करके दिल को सुकून हो तो ये नेकी है। किसी भी कोई भी नेकी, चाहे वो छोटी हो, अगर वो आपको करके सुकून हो रहा है दिल के अंदर, तसल्ली मिल रही, तो फिर वो नेकी है। और अगर जिससे खटक हो तो वो नेकी नहीं, चाहे आपको उसके लिए कोई दलील नहीं मिलती हो, मुबाह चीज़ ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको खटक ही नहीं आ, इसके लिए सबूत दलील तो नहीं है, लेकिन मुझे खटक हो रही है, सही चीज़ नहीं लग रही, तो खटक है तो फिर वो नेकी नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लम ने सीने पर हाथ रख कर फरमाया था तकवे के ताल्लुक से कि दिल में यहाँ खटक होती है, बोले तकवा यहीं होता है, तकवा यहीं होता है, तीन बार हाथ रख के फरमाया कि तकवा यहाँ है, तो जहाँ खटक है तो वहाँ दिल के अंदर वो भी तकवा है, तो उससे भी बचना चाहिए। अल्लाह ने यहाँ फरमाया सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 39 कि फिर जिसने अपने अपने पर जुल्म के बाद तोबा कर ली, अपने पर जुल्म किया फिर तोबा कर ली और इसलाह कर ली, तो अल्लाह उसकी तोबा को कबूल कर लेगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। यानी अगर वो पलट जाता है वापस से गुनाह से, तो फिर अल्लाह उसकी तोबा, कोई वजह नहीं कि अल्लाह उसकी तोबा को कबूल ना करे, लेकिन शर्त है कि पलटना चाहिए, नहीं कि वहीं खड़ा खड़े अल्लाह तोबा करता है कि गलत आ गया, वापस सही जगह पर जाए, पलट कर फिर जाएगा तो उसकी तोबा कबूल कर लेगा। यहाँ अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 17 में कि अल्लाह पर तोबा करना का हक उन्हीं लोगों को है, कौन तोबा करेगा अल्लाह से, उन्हीं लोगों को है जो जहालत की वजह से बुरा काम करते हैं, उसके बाद जल्दी तोबा कर लेते हैं, उन लोगों को अल्लाह माफ़ कर देता है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। किसको माफ़ करता है? अल्लाह के जो जहालत की वजह से बुरा काम कर गए, लेकिन जिसको इल्म है वो जानते बूझते करता है तो उसकी फिर तोबा कबूल नहीं करता अल्लाह, क्योंकि उसको तो इल्म दे दिया था अल्लाह ने, उसको नहीं करे, वो तो जहालत के अंदर उसमें वाकई में अकल नहीं, तो उसकी तोबा कबूल कर लेता है, लेकिन जो इल्म वाला है वो गलती करे तो उसकी तोबा वो कबूल नहीं करता। तो बुराई को छोड़े फिर तोबा करते रहे तो फिर उसकी तोबा कबूल, तो पलटना होगा और फिर वो गुनाह फिर से ना हो, ये इरादा, पक्का इरादा करना होगा, तो फिर तोबा कबूल होगी। ये अल्लाह ने फरमाया उससे आगे आयत नंबर 18 के अंदर, और उन लोगों की तोबा नहीं है जो बुरे काम करते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ पहुँचती है, मौत का वक्त आ जाता है, तो फिर वो कहता है कि अब मैं तोबा करता हूँ, लेकिन अब तो मौत का वक्त आ गया, अब उसकी तोबा कबूल नहीं होती, अब तोबा कबूल नहीं की जाएगी, वक्त निकल गया। शैतान जो है नेकियों से डराता है, नेकी से डरता नहीं है शैतान, क्योंकि उसे मालूम है कि ज़िंदगी में बहुत मौके आएंगे, सारी नेकी खा जाएंगे एक बार में इसकी, तो नेकी से वो डरता नहीं कि इसके पास कितनी नेकी है, शैतान उससे नहीं डरता, उससे घबराता है। वो घबराता किससे, नर्वस किससे होता है, तो कोई तोबा कर ले उससे नर्वस हो जाता है कि अब ये इसकी नेकी भी मजबूत कर लेगा अगर ये तोबा करने पहुँच गया, और जो मैंने इसको इतने सारे गुनाह करवाए वो भी सारे नेकी में तब्दील कर लेगा, तो वो इससे ज़्यादा परेशान होता है कि तोबा कर ले, चाहे वो नेकी कितनी करे वो उसको रोकेगा नहीं, बल्कि वो साथ दे देगा, कर ले तो नेकी, ये तो फिर मैं एक दिन मौका मिलेगा तो सारी नेकियाँ तेरी मैं गर्क कर दूंगा, लेकिन तोबा कर ले वो उससे घबरा जाता है कि ये तोबा इसने कर ली, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि उसने जैसे कि उसका पूरा पूरा का पूरा पैसा जो सेंसेक्स में लगा दिया वो डूब गया हो, ऐसा हो जाता है, जैसे ही तोबा करे उसने क्या गया बंटा था सब डूब गया पैसा, वो इन्वेस्ट वो करता रहता है, हर में इन्वेस्ट करता है, थोड़ा थोड़ा सब में करता रहता है शैतान, लेकिन फिर वो उसका डूब जाता है। तो जैसे उसने, और वो क्या करता है कि शैतान भलाई का लिबास पहन कर आता है और इंसानों को बहकाता है, जैसे आदम और हव्वा को बहकाया, वो शैतान और इंसान में फ़र्क ये है कि वो गुनाह करता है तो गुनाह पर बढ़ता चला जाता है, और इंसान जब गुनाह करता है तो तौबा कर लेता है तो उसका रब उसे माफ़ कर देता है।